सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट साइंस चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन लेटेस्ट क्रिकेट स्किल्स सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो स्किल से रिलेटेड नहीं है बल्कि रणजी ट्रॉफी मैच जीतने के बाद थोड़ी मौज मस्ती का है। अगर आप रणजी के 4 दिन का मैच 3 दिन में ही जीत जाते हैं तो एंजॉय करना तो बनता ही है, और वह भी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में तो बनता ही है। तो आइए जरा पैराग्लाइडिंग का मजा ले। चलो सर, रन करो। जैसा कि आप देख रहे हैं, चेहरे में खुशी तो है पर आंखों में डर भी है। इसके पहले मैंने कुछ इसी तरह की पैराग्लाइडिंग थाईलैंड में भी की थी और मैं अकेला था। इस बार मेरे साथ मेरे गाइड भाई साहब भी हैं। तो दोस्तों, यह रहा मेरा पहला व्लॉग, और इस वीडियो के लिए मैंने हजारों फीट की ऊंचाई पर जाकर पैराग्लाइडिंग की है, तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, पहाड़ों पर ताजी हवा और यहाँ का मौसम और उतने ही अच्छे लोग, यह सभी चीजें आपको सेहतमंद बनाती है। एक बार आप धर्मशाला जरूर आएं और इन वादियों का मजा लें। गाइड ने मुझे सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो रहा आपका क्रिकेट मैदान, पर उस ओर हम नहीं जा सकते। दूर से क्रिकेट मैदान बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। दोस्तों, धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान में बनाया गया मैदानों में से एक है, और हजारों फीट से इस मैदान को देखना अपने आप में शानदार अनुभव होता है। दोस्तों, गाइड ने कसम खा ली है कि वो मुझे हजारों फीट ऊपर ले जाकर वहां से इस पैराशूट जैसी चीज को आधा बंद कर देगा और मुझे सीधे वहां से गोता खिलाते हुए नीचे लाएगा। जो भी हो, देखा जाएगा।
खराब हो गई है, आंखों नाकों से पानी निकल गया है, जो खाया पिया था सब ऊपर आ गया। दोस्तों, पैराग्लाइडिंग से पहले कभी भी आप हैवी खाना ना खाएं। चक्कर आ रहा है भाई, नीचे उतार अब। Hello.